हेलो विजय और दोस्तों ये तो एकदम एक लेटेस्ट एनवीडिया के ग्राफिक के साथ में इस बार एनवीडी फोर्स आरटीएक्स थर्टी फिफ्टी ग्राफिक इसमें यूज करा गया है और मैं इस लैपटॉप को फिलहाल दस दिन से यूज कर रहा हूं और भाई लास्ट जनरेशन का जो एचपीएनवी एक्स थ्री सिक्सटी क्रिएटर एडिशन था ना जो कि RTX 2050 ग्राफिक के साथ में आया करता था विद द i5 और i7 12 जनरेशन प्रोसेसर वो काफी एक मेजर हिट था बिकॉज़ क्रिएटर्स ने उसको बहुत पसंद किया किस काम के लिए यूज कर सकते हैं क्या प्रोज है क्या कॉन्स है सारा ही कुछ आगे इस ओपिनियन रिव्यू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए वीडियो में दोस्तों एकदम एंड तक बने रहिएगा एंड हैविंग सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करते हैं एचपी एनवी X360 सिक्सटी क्रिएटर एडिशन की जहां पे हमारे पास में इसका 15.6 इंच वाला वर्जन है जो कि भाई 19 मिलीमीटर mm की थिकनेस के साथ में आता है एंड द वेट इज 1.75 किलोग्राम कंसीडरिंग कि इस लैपटॉप के अंदर एक तगड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है यह बहुत ज्यादा स्लिम है और लाइटवेट भी है ऑलमोस्ट किसी भी नॉर्मल कन्वर्टेबल लाइट वेट लैपटॉप निकल के आ रहा है नॉर्मली हमें किलोग्राम के आसपास का वेट मिलता है ये वन है तो बहुत ही सही वेट मैनेजमेंट करा गया एचपी के द्वारा ये एक एक्स थ्री लैपटॉप है तो आप इसको कुछ इस तरह यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं एज अ टैबलेट जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो भाई इसका जो कीबोर्ड होता है ना वो डिसेबल हो जाता है तो आप इसको सीमलेसली एज अ टैबलेट यूज कर सकते हो विद द प्रोवाइडेड पेन जो कि बॉक्स uh, के साथ ही एचपी ने प्रोवाइड करा के रखी है पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन करके रखी है पूरा बिल्ड यहाँ पे मेटल की द्वारा करके रखा है तो काफी प्रीमियम सॉलिड फील होता है एंड रिगार्डिंग द हिंज क्वालिटी दोस्तों कोई भी कन्वर्टेबल लैपटॉप होता है आपके मन में एक डाउट आता है कि भाई हिंज की क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है तो मैं लगभग तीन साल से एचपी एनवी सीरीज को रिव्यू करता हुआ आ रहा हूँ यूज भी करता हुआ आ रहा हूँ और आज की डेट तक भी मतलब मल्टीपल टाइम्स ओपन एंड फोल्ड करने के बाद भी बिल्कुल आज तक कोई इशू आया नहीं है तो आई कैन एश्योर कि हिंज क्वालिटी डिसेंट ही निकल के आने वाली है इस लैपटॉप के साथ में लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स दोस्तों तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें यूएसबी uh, पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि टेन जीबी पर सेकेंड तक की स्पीड को सपोर्ट uh, करता है उसके पास में हेडफोन जैक फुल साइज कार्ड स्लॉट अगर आपके पास वगैरह है बिकॉज ये क्रिएटर लैपटॉप है आपने जो भी फुटेज डीएसएल से रिकॉर्ड करिए डायरेक्टली आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हो राइट right साइड में अगेन एक और यूएसबी एय एच डी एम आई जो कि बहुत फास्ट स्पीड लैपटॉप को प्रोवाइड कराता है और यहाँ पे दो थंडरबोल्ट फोर पोर्ट जो कि चालीस जीबी पर सेकेंड तक की सिग्नल स्पीड को सपोर्ट करते हैं भाई यह काफी अच्छी बात है सारे ही पोर्ट्स इस लैपटॉप के साथ में हमें देखे हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी स्लिम फॉर्म फैक्टर दिस इज बेटर देन द एचपी पी स्पेक्टर सिक्सटीन जो कि कम पोर्ट्स के साथ में आता है तो भाई बिल क्वालिटी के साथ में मैं इंप्रेस लेकिन अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो कि क्या हम इसको सिंगल हैंडेडली ओपन कर सकते हैं तो भाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसकी जो हिंज है ना टू प्रोवाइड अ बेटर ये थोड़ी सी टाइट करके रखी गई है तो लैपटॉप सिंगल हैंडेडली ये वाला भाई ओपन नहीं होता है और जैसे ही ओपन करते हो भाई तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है वो क्यों नहीं है क्योंकि एचपी ने यहाँ पे हमें फेशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराया है थ्रू द आई आर सेंसर जो कि इस लैपटॉप में देख रखे हुए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं आपके फेस को स्कैन करके ये वाला लैपटॉप अनलॉक होने वाला है और फिर आपकी मुलाकात होगी इसकी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच की डिस्प्ले के साथ में मेरे पास में जो वर्जन है ना वो आईपीएस डिस्प्ले वाला है वैसे मोस्टली ये लैपटॉप ओलाइट डिस्प्ले के साथ में बिकता है बिकॉज क्रिएटर एडिशन है बहुत लोगों को इमेजेस एंड वीडियो एडिट करनी होती है तो दे वॉन्ट द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले द मोस्ट कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मैंने यहाँ पे आई डिस्प्ले चूज करी है टू रिव्यू दिस लैपटॉप बिकॉज इसकी प्राइस थोड़ी सी कम निकल के आ रही है तो यहाँ पे भाई फुल एच

वो काफी ज्यादा अच्छी मिलती है इस लैपटॉप के साथ में जो कि आप अपनी स्क्रीन के साथ में देख सकते हो फिर भले आप इस पेन को यूज करो ड्राइंग करने के लिए एक्यूरेट स्केचिंग करने के लिए जहां पे आप किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एकदम एक्यूरेसी के साथ ये वाली पेन यूज कर जाती है एंड इट्स द एच पी ट पेन 2.0 तो आप इसको कुछ इस तरह यहां से लिफ्ट कर सकते हो और यहां पे टाइप सी के जरिए इस पेन को चार्ज कर सकते हो जब भी आपका पेन डिस्चार्ज हो जाए एक टाइप सी टू सी केबल अपने साथ में लेके चलो जो कि इसके बॉक्स के अंदर ही आती है भाई पेन के बॉक्स के अंदर और डायरेक्टली आप लैपटॉप के साथ में ही पेन को चार्ज कर सकते हो विद इन थर्टी मिनट चार्ज हो जाती है no फिर तो यहां पे इस लैपटॉप के, 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 तो के साथ में आई सेवन थर्टीन जनरेशन थ्री फाइव फाइव यू वाला प्रोसेसर में देखने के लिए मिल जाता है विच इजन को प्रोसेसर एंड थर्टीन जनरेशन ओवर ट्वेल्व जनरेशन वैसे तो एक माइनर अपग्रेड रही है लेकिन बहुत अच्छे स्कोर्स इसने प्रोवाइड के दिए इस लैपटॉप ने टू फोर थ्री एट इन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में एट फोर सिक्स जीरो के स्कोर्स निकाल के दिए हैं मैंने इस लैपटॉप को पावर पे प्लग करके ये वाले स्कोर्स निकाले हैं अगर आप पावर के बिना यूज करोगे तो इससे कम स्कोर्स निकाल के आएंगे लेकिन पावर पे लगा के आप अगर स्कोर्स मेजर करते हो तो भाई साढ़े आठ हजार नौ हजार इस लैपटॉप के लिए बहुत ही नॉर्मल है जो कि बहुत अच्छे स्कोर है और यहाँ पे जो ग्राफिक के स्कोर निकल के आ रहे हैं ना नॉर्मली देखो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आयरिस एक्स की जो इंटेग्रेटेड ग्राफिक रहता है वो ओपन सी के स्कोर निकाल के देता है बारह से पंद्रह के बीच में ये वाला अड़तालीस के निकाल के दे रहा है तो आप मान सकते हो कि भाई चार गुना ज्यादा अच्छी

वीडियो एडिटिंग करके देखी जहाँ पे हमने आईफोन फिफ्टीन के जो तो कैमरा सैंपल्स रिकॉर्ड करे थे उसको एक्सपोर्ट करा तो भाई सबसे पहले तो रेंडरिंग फिल्मोरा ट्वेल्व एप्लीकेशन में यूज करी रेंडरिंग काफी फास्ट हो जाती है इसके अंदर जो टाइमलाइन है ऑलमोस्ट ना के बराबर लैग हमें देखने के लिए मिलता है अगर आप मल्टीपल लेयर्स uh, वाली एडिटिंग करते हो तब भी बहुत अच्छे लेवल की आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो और अगर आपको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए जिसमें आप लाइट गेम्स खेल सको GTA फाइव वगैरह बहुत ही लैपटॉप में चल जाएंगे तो आप एक गेमिंग लैपटॉप को छोड़ के इसको कंसिडर कर सकते हो लेकिन अगर आपको एक हाई एंड गेमिंग करनी है

उस प्राइस में दोस्तों वो लैपटॉप्स काफी अच्छे थे लेकिन मैंने इस लैपटॉप को दुबई से परचेस कराए अराउंड एक लाख बीस हजार रुपए तो भाई इंडिया में जब ये लैपटॉप आएगा आप एज्यूम कर सकते हो कि इसकी प्राइस पच्चीस के आसपास ही रखी जाएगी विद द सेवन थर्टी जनरेशन एंड थर्टी फिफ्टी ग्राफिक फिलहाल के लिए इंडिया में आई सेवन ट्वेल्व जनरेशन विद आर्टिकल ट्वेंटी अवेलेबल है विद ओ लेट डिस्प्ले जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका थर्टीन जनरेशन जैसे ही आता है मैं जनरेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कंसीडरिंग द प्राइस परफॉर्मेंस जो निकल के आ रही है दोस्तों वो काफी अच्छी निकल के आ रही है फिर दोस्तों बात करते हैं कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड के बारे में एक लैपटॉप का जो बेस्ट पार्ट रहता है ना जो कि इसको अलग बनाता है बाकी सारी चीजों से वो होता है कि इसमें एक अटैच की एंड ट्रैकपैड होता है जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है ओवर जनरेशन तो यहां पे एचपी का आईलैंड स्टाइल हमें की मिलता है नमपैड यहां पे नहीं देख रखा है डिस्पाइट ऑफ इंच लैपटॉप पैड ने क्यों नहीं प्रोवाइड कराया है बिकॉज एचपी को साइड में इस लैपटॉप के वेंट्स प्रोवाइड कराने थे आपको अगर डाउट हो रहा होगी भाई ये स्पीकर्स है तो ये स्पीकर्स नहीं है स्पीकर्स इसके नीचे की तरफ देख रखे है, वो हम टेस्ट करेंगे आगे कि कैसे साउंड कर रहे हैं वाले स्पीकर्स लेकिन जो कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है और बैकलेट कीबोर्ड बोर्ड भी देखे रखा है इस बार एचपी ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि भाई एचपी एनवी सीरीज के साथ में हम लोग प्लास्टिक का की बोर्ड प्रोवाइड कराएंगे for some reasons. पे प्लास्टिक का कीबोर्ड है और जो ट्रैक पैड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है विद द माइक्रोसॉफ्ट थ्री फिंगर स्क्रॉलिंग टू फिंगर मल्टी मल्टीचर सारा ही कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है विद विद्रैक पैड तो उससे मेरे को बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है एक बहुत ही मुद्दे वाली चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो स्कोर्स निकाल के इस लैपटॉप ने दिए है ना विद द आई सेवन थर्टीन जनरेशन वो मैकबुक एयर एम वन में जो की लॉन्च हुआ है वो आठ साढ़े सात के स्कोर्स अभी भी निकाल के दे रहा है ये वाला लैपटॉप इंडिया में सेल के दौरान अभी साठ का अवेलेबल था आई एम नॉट श्योर कि अभी कितने का है अराउंड सत्तर का लेकिन इजीली ये वाला लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाएगा बट द थिंग इज कि जो मैकबुक एयर M1 या फिर M2 आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा रहा है एंड जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रहा है परफॉर्मेंस तो ये वाला भी अच्छी निकाल के दे रहा है लेकिन अगर आप बैटरी पावर पे इसको यूज करते हो तो भाई ये 6000 के आसपास के स्कोर निकल के देता है वहीं पर मैगबुकेयर एम वन जो कि एक 2020 का लैपटॉप है वो साढ़े सात हजार स्कोर करता है दूसरा मैगबुकेयर एम वन के अंदर एक चिप वाला आर्किटेक्चर है ये प्रॉपर आर्म बेस्ड प्रोसेसर यूज कर रहा है तो भाई इसकी जो बैटरी लाइफ निकल के आ रही है ना वो छह घंटे के आसपास की निकल के आ रही है मैगबुकेयर एम वन वहीं आपको बारह घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ निकाल के देता है वेरी फॉर्म फैक्टर और जो उसके ग्राफिक के स्कोर निकल के आते हैं वो बीस के आसपास के निकल के आते हैं बीस बाईस हजार के ये वाला ग्राफिक में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर देता है वेट ज्यादा लेके आता है अपने साथ में तो ये चीज़ आप कंसीडर कर लेना भाई कि आपको एक विंडोज लैपटॉप विद अ गुड ग्राफिक परफॉर्मेंस की नीड है या फिर आपको एक मैक लैपटॉप चाहिए जो कि आपको अच्छी बैटरी लाइफ निकाल के दे दे एंड डिसेंट ग्राफिक और एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑन बैटरी प्रोवाइड करा दे तो ये मेरा ओपिनियन था भाई इसकी परफॉर्मेंस को लेके परफॉर्मेंस विंडोज वर्ल्ड में बहुत अच्छी है लेकिन मतलब मैं आपको ऑप्शन बता रहा था कि M1 भी अवेलेबल है M2 भी अवेलेबल है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए विद अ गुड बैटरी लाइफ तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हो बात करते हो तो बैटरी लाइफ की तो यहाँ पे हमें फिफ्टी वन आवर की बैटरी मिलती है इस लैपटॉप के साथ में मेरा ये मानना है कि भाई यहाँ पे जो ग्राफिक है ना वो बहुत ज्यादा पावर खाएगा क्योंकि आरटीएस थर्टी फिफ्टी ग्राफिक है और मैं इस लैपटॉप को जब से यूज कर रहा हूं छे घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप निकाल के दे रहा है विंडोज वर्ल्ड में ये बैटरी लाइफ काफी अच्छी है इंटेल ईओ सर्टिफाइड नहीं है ईओ सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब कोई लैपटॉप आठ घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ निकाल के देता है सैडली बिकॉज ऑफ द हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड वो यहां पर यह अचीव नहीं कर पा रहे लेकिन विंडोज में उसको तो डेफिनेटली लैपटॉप अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है नाइनटी वॉट का इसका पावर अडेप्टर दे रखा है जो कि इस लैपटॉप को लगभग लगभग सवा घंटे डेढ़ घंटे के अंदर जीरो से हंड्रेड फुली चार्ज कर देता है टाइप सी के जरिए तो वहां पर मेरी बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है बात करते दोस्तों स्पीकर तो है। हमें हमें मिलते हैं देखते हैं यहां पे साउंड कैसे करते हैं तो भाई लाइव सुनाता हूं वॉल्यूम मैंने हंड्रेड पे करके रखी है एज यू कैन सी एज आई साइड बैक फायरिंग स्पीकर यहां से आवाज नहीं आ रही है आवाज आ रही है यहां से पीछे से और ये ना एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा ये ना आगे की तरफ करके रखे हुए हैं तो अगर आपका डाउट होगी भाई ये आवाज दब जाएगी तो दबेगी नहीं अगर आप बेड पे रख के कर रहे हो तो डेफिनेटली दबेगी बेड पे रेकमेंडेड ही नहीं रहता कोई भी लैपटॉप रख के यूज करना बिकॉज हवा वगैरह भी नहीं निकल पाती पास नहीं हो पाती तो टेबल पे रख के करते हो ना तो यहां से लिफ्ट देगी रखा है जो कि स्पीकर को उठा देगा एंड अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो भाई जो वोकल्स निकल के आ रहे हैं वो अच्छे निकल के आ रहे हैं बेस बहुत सही निकल के आ रहा है लाउडनेस जो है वो मैं बोलूंगा कि एट आउट ऑफ टेन मैकबुक की लाउडनेस टेन आउट ऑफ टेन तो भाई स्पीकर भी रिसेंट निकल के आ रहे हैं इस के साथ में बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप साउंड चल गया एक मिनट भैया बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के कैमरा के बारे में तो भाई पांच मेगापिक्सल का आईआर वेबकैम देके रखा है एचपी ने आज से दो साल पीछे चल जाते हैं तो सारे लैपटॉप्स के वेबकैम घटिया आते थे लास्ट ईयर और इस साल वेबकैम्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं यहाँ पर पांच मेगापिक्सल का विथ थ्री वे माइक्रोफोन मिलता है लास्टली बात करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एंड जो इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर उसके बारे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज एक्सपेक्टेड विंडोज इलेवन होम होने वाला है और एमएस ऑफिस देख रखा है कि नहीं तो हाँ भाई एमएस ऑफिस इंडिया में अगर आप परचेस करते हो इस लैपटॉप को तो आपको मिल जाएगा home and student 2021 जो सेपरेटली भाई बिकता है 9000 का अगर दुबई से परचेस करते हो जहां से मैंने करा है तो भाई ये लैपटॉप आता है सिर्फ विदाउट एमएस ऑफिस इंडिया से लेना बेटर रहेगा बिकॉज़ एमएस ऑफिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा फॉर द 12 जनरेशन एंड जैसी 13 जनरेशन आता है एज आई प्रॉमिस उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा फिर उसको तो लास्टली बात करते हैं एंडिंग लाइन्स में मेरा ओपिनियन क्या है क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है मेरे इस रिव्यू का तो भाई मैं एनवी सीरीज को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं एचपी पी स्पेक्टर जो सीरीज है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एचपी काफी अच्छा प्राइस रखता है उसका लेकिन इंडिया में आई डोंट नो फॉर सम रीजन बहुत महंगी निकल के आती है एनवी उसका क्लोजेस्ट कंपटीशन है आप बोल सकते हो एचपी एनवी की प्राइस इंडिया में सही रखी जाती है कंपेयर टू एचपी पी स्पेक्टर ये वाला लैपटॉप फॉर द थर्टीन जनरेशन अगर आपको एक लाख या एक लाख दस हजार बीस हजार का मिलता है तो विंडोज वर्ल्ड में एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है कीप इन माइंड कि आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं दो ऑप्शंस में उनमें से आपको देता हूं न इज द मैगबो केयर फिफ्टीन इंच जो कि भाई एप्पल की एम टू चिप के साथ में आता है विथ टेन कोर्स जीपी यू अगेन वो वाला तीस हजार के आसपास के ग्राफिक स्कोर आपको निकाल के दे देगा कंपेयर टू अड़तालीस हजार स्कोर्स ऑन दिस वन बट बैटरी लाइफ ऑन दैट वन विल बी बेटर उसके पास स्पीकर ज्यादा अच्छे हैं वो थिन एंड लाइट वेट है कंपेयर टू दिस वन बैटरी लाइफ मतलब काफी अच्छी निकल के एनुअली ऑन दैट लैपटॉप एंड यू आर गेटिंग मैको एस आई मूवी वगैरह ये सारा कुछ एप्लीकेशन फाइनल मैको एस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से रहते हैं इस वाले में आपको क्या बेटर मिल रहा है आपको एक टच स्क्रीन मिल रही है विद अ पेन जो कि इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जहां पे आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बहुत सारी एप्लीकेशन बचपन से हमने विंडोज यूज करा है तो वो आपके लिए एक टू वाली चीज हो जाएगी ये चीज इस लैपटॉप के अंदर बढ़िया है बाकी विंडोज वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये चीज कंसिडर कर लेना वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ही जाना ऐसी वीडियोज बनाने के लिए भाई बहुत बहुत मेहनत लगती है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो मोटिवेशन नहीं मिलती है आप सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है तो भाई करके ही जाना वीडियो को लाइक भी करना शेयर करना कॉमेंट करना कुछ भी डाउट हो तो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अपने भाई को और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में